आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज, सच की खबरें सबसे पहले। नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज के धूमनगंज ताड़बाग मोहल्ले में बीती रात तेज रफ्तार कार ने 3 साल के मासूम युवराज को रौंद दिया, जिसकी उसकी मौके पर मौत हो गई। बच्चे की मौत से भड़के मोहल्ले के लोगों ने घेर कर कार रोकी और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके 2 अन्य साथी भाग गए। लोगों ने कार को तोड़ डाली। मौके पर पहुंची पुलिस पर व परिजनों मोहल्ले के लोगों ने पथराव कर 2 बाइक और मजिस्ट्रेट की गाड़ी तोड़ कर आगजनी का प्रयास किया, जिसमें 1 दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। SSP ने मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ स्थिति संभाली। क्या घटना हुई है और किस तरह से घटना हुई है? 3 वर्षीय एक बच्चे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसके द्वारा 3 वर्षीय एक बच्चे की मृत्यु यहाँ मयारगंज नेहरू पार्क रोड पे हुई है। उसको लेके कुछ परिजनों में आक्रोश था। उस आक्रोश के अंतर्गत कुछ लोगों ने रोड जाम करने का प्रयास किया था, और उसी के बाद मामले में हम लोग यहाँ आए थे। परिजनों को समझा बुझा दिया गया है। जो दुखद दुर्घटना हुई है उसके लिए पूरी सहानुभूति, आगे कानून कार्रवाई की जा रही है। कुछ पथराव वगैरह भी हुआ है? हाँ, मौके पे देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ पथराव हुआ है, लेकिन हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ शांति थी। कई गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं, आगजनी की भी चार्ज किया गया। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया है। बच्चे की मौत हो गई? बच्चे की मृत्यु के बारे में बताया गया। एक SDM की गाड़ी भी तोड़ी गई है? हाँ, इसकी पुष्टि अभी नहीं है, मगर मैं देख के बताऊँगा। अच्छा, वो आरोपी पकड़ लिए गए? आरोपी को पकड़ लिया गया, आरोपी गिरफ्तार है और उसकी गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है।